हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑटोमेशन एंड रोबोटिक्स यूट्यूब चैनल। यू आर विद टेक टॉक विद ललितेश। सो आज का जो हमारा टॉपिक है वो ये है कि हम सीमेटिक मैनेजर में ब्लॉक्स कैसे यूज करते हैं। मीन्स डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के ब्लॉक्स होते हैं, उनको मैं यूज करना बताऊंगा। सो फ्रेंड्स, अभी तक आपने अगर मेरा चैनल लाइक नहीं किया है, सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें एंड बेल बटन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे कि जो भी मैं वीडियो अपलोड करूँ वो आपको उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। सो आगे बढ़ने के लिए मैं सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, सीमेटिक मैनेजर एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना पड़ेगा जिससे कि आप उसमें ब्लॉक्स क्रिएट कर सकते हैं। तो डिफरेंट टाइप्स के ब्लॉक्स होते हैं, तो सबसे पहले आप ये देखिए कि किस तरीके से हम डेवलप करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं सीमेटिक मैनेजर सॉफ्टवेयर ओपन कर रहा हूँ। पहले वीडियो में मैं ऑलरेडी ये बता चुका हूँ कि हम किस तरीके से सॉफ्टवेयर स्टार्ट करते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं, देन हम एक नेटवर्क इस्टेब्लिश कैसे करते हैं, देन एक छोटा सा प्रोग्राम मैंने बताया था कि हम सिमुलेट कैसे करेंगे, राइट। तो सबसे पहले आप देखिए, एक बार मैं फिर से बता रहा हूँ, आप यहाँ पर देख सकते हैं सीमेटिक मैनेजर मैंने सॉफ्टवेयर ओपन किया। तो सबसे पहले आपको काम क्या करना है, आप एक सिमुलेटर ओपन कर लीजिए, यानी ये देखिए ऑप्शन के नीचे यहाँ पर एक सिमुलेशन का आइकन है, आप इसको क्लिक कर दीजिए और यहाँ पर इस तरीके से सिमुलेटर आपका ओपन हो जाएगा, राइट। तो सबसे पहले यहाँ पर आप देखेंगे ये सिमुलेटर मेरा ओपन हो चुका है, आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं। जैसे इनपुट मैंने यहाँ पर अभी IB0 आ गया है, इसी तरीके से इंसर्ट में आउटपुट वेरिएबल ले लीजिए यहाँ पर QB0, यानी इनपुट एड्रेस एंड आउटपुट एड्रेस आप यूज कर सकते हैं। देन हमें क्योंकि सिमुलेटर PLC सिम MPI पे यूज करना है, तो आप इसको सिलेक्ट कर लीजिए और जस्ट इनिशियलाइज कर दीजिए। उसके बाद आप फाइल में जाएंगे, तो पहले मैंने जो बताया था वीडियो में, मुझे बताया था कि न्यू पर जाके आप सारा हार्डवेयर कॉन्फ़िगरेशन क्रिएट कर सकते हैं, बट अभी अगर डायरेक्ट आपको प्रोग्राम करना है तो उसके लिए न्यू प्रोजेक्ट विजार्ड पर आप क्लिक करिए। उसके बाद यहाँ पर एक ऑप्शन आ रहा है Step 7 विजार्ड न्यू प्रोजेक्ट, तो आप यहाँ पर नेक्स्ट कर दीजिए। देन यहाँ पर आप डायरेक्ट CPU सेलेक्ट कर सकते हैं, तो यहाँ पर कई सारे CPU यहाँ पर आ रहे हैं, तो मैं डायरेक्टली एक कोई CPU ले लेता हूँ। जैसे मैंने CPU 314 ले लिया, राइट, CPU नेम बाई डिफॉल्ट आ रहा है, MPI एड्रेस 2 आ रहा है, नेक्स्ट कर देंगे। देन ऑर्गेनाइजेशन ब्लॉक 1, क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट ब्लॉक्स होते हैं, तो OB1 जो होता है मेन ब्लॉक होता है, यानी साइकिल एग्जीक्यूशन ब्लॉक होता है, इस तरीके से और भी ब्लॉक्स होते हैं, राइट, हम लोग डिस्कस करेंगे। देन लैंग्वेजेज आप सेलेक्ट कर सकते हैं जिस लैंग्वेज पे आपको वर्क करना है, तो जैसे अभी बाई डिफॉल्ट HTML सिलेक्टेड है, तो आप यहाँ पर लैडर सेलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद आप नेक्स्ट कर दीजिए। देन यहाँ पर एक प्रोजेक्ट नेम डिफाइन कर सकते हैं, तो जैसे मैंने यहाँ पर एक प्रोजेक्ट नेम ले लिया, जैसे मैंने blocks_function यानी FC। फ्रेंड्स, मैं आज आपको बताना चाहता हूँ कि फंक्शन कैसे क्रिएट करते हैं हम सीमेटिक मैनेजर में। देन फिनिश कर दीजिए। उसके बाद आप यहाँ से देखेंगे कि इस तरीके से block_FC के नाम का मैंने एक प्रोजेक्ट क्रिएट कर लिया। तो सबसे पहले आपको ये जानना आवश्यक है, ये जानना जरूरी है कि एक्चुअली फंक्शन होता क्या है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो फंक्शंस होते हैं वो एक तरह से सब रूटीन होते हैं, सब प्रोग्राम्स होते हैं जिनको कि कॉल कराया जाता है। तो सबसे पहले बात ये आती है कि कॉल आप कराएंगे कहाँ से, तो जो OB1 होता है मैन ब्लॉक होता है, मैं इसको डबल क्लिक करके ओपन कर देता हूँ। इस तरीके से मैन ब्लॉक फाइल ओपन हुई है जहाँ पर आप एक प्रोग्राम क्रिएट करते हैं। अगर मैं एक प्रोग्राम क्रिएट करना चाहूँ तो सिंपल आप OB1 में ये मैन प्रोग्राम फाइल है, आप यहाँ से एक इनपुट ले लीजिए, एक आउटपुट ले लीजिए और यहाँ से एक छोटा सा प्रोग्राम आप क्रिएट कर दीजिए। जैसे सिंपल एक इनपुट से मैं एक आउटपुट ऑन कराना चाहता हूँ, और अगर आप इसको देखना चाहते हैं कि ये कैसे फंक्शन कर रहा है, तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, एक प्रोग्राम Network 1 में मैंने क्रिएट किया, एक सिंपल एक इनपुट से एक आउटपुट ऑन कराना, देन आप यहाँ से इसको डाउनलोड कर दीजिए। उसके बाद फिर यहाँ से मॉनिटर मोड पर चले जाइए। जैसे ही मॉनिटर मोड पे जाऊंगा तो कंट्रोलर अभी देखिए डाउन साइड में स्टॉप मोड पे दिखा रहा है, आप सिमुलेटर ओपन कर लीजिए और इसको रन पी पे सेलेक्ट करके छोड़ दीजिए। उसके बाद आप देखेंगे कि कंट्रोलर हमारा रन मोड पे आ गया है, यानी यहाँ पर भी रन मोड दिखा रहा है और यहाँ पर इनपुट है, मीन्स आपका प्रोग्राम अभी ऑनलाइन है। तो आप यहाँ से क्या करेंगे, सबसे पहले इनपुट देखिए यहाँ पर ऑलरेडी दिया हुआ है IB0, इसका मतलब I0.0। तो IB0 मीन्स बाइट नंबर 0 है, इनपुट बाइट नंबर 0, देन QB0 मीन्स आउटपुट बाइट 0। यानी सीमेटिक मैनेजर में जो इनपुट एड्रेस होता है वो I से रिप्रेजेंट करते हैं और आउटपुट Q से रिप्रेजेंट करते हैं। तो सबसे पहले आप देखिए I0.0 यहाँ से आप प्रेस कर दीजिए, ये सारी बिट होती है, तो आपने 0 नंबर बटन प्रेस किया, देखिए यहाँ पे आउटपुट ऑन हो गया, प्रोग्राम में अभी दिखा रहा है। अगर आप इसको अगेन क्लिक करते हैं तो ऑफ हो जाए।
तो इस तरीके से आपने ये देखा कि ऑर्गेनाइजेशन ब्लॉक जो साइकिल एग्जीक्यूशन ब्लॉक है उसमें किस तरीके से आपने एक इनपुट से एक आउटपुट ऑन कराया। देन आप ऑफलाइन चले जाइए, यानी अगेन मॉनिटर वाले आइकन पे आप क्लिक कर देंगे ऑफलाइन आइकन। अब मैं आपको जो बताने जाता हूँ वो बताने जा रहा हूँ कि फंक्शन कैसे क्रिएट करते हैं। तो फ्रेंड्स मैं इसको मिनिमाइज कर देता हूँ। अब मैं आपको जो फंक्शन बताना चाहता हूँ उसमें यह है कि फंक्शन होता है क्या। एफ सी मीन्स फंक्शन होते हैं जिनपे कि हम सब प्रोग्राम क्रिएट करते हैं। सब प्रोग्राम का मतलब ये होता है कि छोटे छोटे जो भी प्रोग्राम है, कुछ एक डेडिकेटेड एप्लीकेशन है, हम उनमें फंक्शन में क्रिएट करते हैं, जिससे कि हम एक किसी भी प्रोसेस का, किसी भी मशीन का एक सीक्वेंस डिसाइड कर सकते हैं कि हम इस सीक्वेंस में ऑपरेशन रन कराना चाहते हैं। तो आप फंक्शन क्रिएट कैसे करेंगे फ्रेंड्स, उसके लिए मैं यहाँ बताना चाहता हूँ। तो आप देखिए, सबसे पहले मेरे पास जो मेन फाइल थी वो ये थी, इसको मैंने मिनिमाइज किया। देन आप यहाँ पर देखेंगे यहाँ पर अभी ओ बी बन दिखाई दे रहा है, जस्ट यहाँ पर ब्लैंक जो एक स्पेस है, यहीं पर सारे जितने भी ब्लॉक्स होते हैं वो क्रिएट होके आते हैं। तो यहीं पर जस्ट राइट क्लिक करेंगे, देन यहाँ पर आप एक ऑप्शन देखेंगे इंसर्ट न्यू ऑब्जेक्ट में जाएंगे। जस्ट मैंने राइट क्लिक किया, इंसर्ट न्यू ऑब्जेक्ट में गए, तो यहाँ पर देखेंगे कई सारे ब्लॉक्स आपको दिखाई दे रहे हैं, यानी ऑर्गेनाइजेशन ब्लॉक आपको दिखाई दे रहे हैं, देन फंक्शन ब्लॉक दिखाई दे रहे हैं, फंक्शन दिखाई दे रहे हैं, डेटा ब्लॉक, डेटा टाइप एंड वेरिएबल टेबल। तो फ्रेंड्स मैं आपको एक एक करके सारे ब्लॉक्स के बारे में बताऊंगा, आप जुड़े रहिए मेरे चैनल के साथ, है ना। देन आगे आप देखेंगे यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन ब्लॉक है, यानी आप देखेंगे यहाँ पर ये बाय डिफॉल्ट OB1 ब्लॉक है। आपको अगर और भी ऑर्गेनाइजेशन ब्लॉक क्रिएट करना है तो आप यहाँ से जस्ट राइट क्लिक किया मैंने इंसर्ट न्यू ऑब्जेक्ट, देन यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन ब्लॉक आ रहा है, आप ऑर्गेनाइजेशन ब्लॉक पर क्लिक कर सकते हैं या आपको फंक्शन पर जाना है। तो मैं अभी आपको सिर्फ फंक्शन बताने जा रहा हूँ, जैसे कि एक एक करके हम लोग बात करेंगे कि किस तरीके से ब्लॉक हम यूज करते हैं। तो सबसे पहले फंक्शन पर क्लिक करेंगे, एक यहाँ पर फंक्शन ब्लॉक है और एक है फंक्शन, तो दोनों में डिफरेंस होता है। तो सबसे पहले हम फंक्शन पर जाएंगे, जैसे ही मैंने फंक्शन पर क्लिक किया तो यहाँ पर नेम आ गया बाय डिफॉल्ट FC1, यानी फंक्शन वन। आप इसको डिफाइन कर सकते हैं, कोई नाम अगर देना चाहते हैं आप यहाँ पर डिफाइन भी कर सकते हैं कि हम किस लिए यूज कर रहे हैं। तो सपोज मैंने यहाँ पर एक कोई भी नाम डिफाइन कर सकते हैं, सिंबॉलिक नेम यू कैन डिफाइन। तो मैंने कहा मेरे पास जो है प्रोसेस वन के लिए मैंने एक प्रोग्राम लिखना है फंक्शन वन में। देन कमेंट भी दे सकते हैं कि आप किस लिए यूज कर रहे हैं, देन यहाँ से लैंग्वेज आप सिलेक्ट कर सकते हैं एंड ओके कर दीजिए। तो यहाँ पर अभी ये FC1 आ गया, राइट। तो अभी यहाँ पर देखेंगे कि फंक्शन वन में जो मैंने नेम दिया था वो यहाँ पे अभी आ नहीं रहा है, तो उसके लिए आपको यहाँ पर ये चेंज करना पड़ेगा। अगर लिस्ट बना लेंगे देन यहाँ से कुछ और ऑप्शंस हैं, ये देखिए यहाँ से लिस्ट हो गया और यहाँ पर डिटेल आ गया। तो अगर आप डिटेल पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आपको FC1 यानी फंक्शन आपको दिखेगा, प्रोसेस वन सिम्बॉलिक नेम लैडर, और यहाँ पर सारा कुछ आपको दिख जाएगा, साइज इन द वर्क मेमोरी कितना रहेगा वगैरह वगैरह आपको दिखेगा। अगर आपको फिर से पहले जैसा ऑप्शन चाहिए तो आप बस यहाँ क्लिक कर दीजिए, यानी ये ऑप्शन जो होता है स्मॉल आइकन है। आप अगर डिटेल में जाना है तो आप डिटेल में चले जाइए। अगेन मेरे को एक और फंक्शन क्रिएट करना है दूसरे प्रोसेस के लिए, तो जस्ट यहीं पर राइट क्लिक करेंगे, देन यहाँ पर फंक्शन में जाएंगे और FC2, और यहाँ पर अपना दूसरा फंक्शन आप क्रिएट कर सकते हैं। जैसे मैंने सेकेंड कर लिया, सेम यहाँ पर लैंग्वेज लैडर ही चाहिए, राइट। इस तरीके से मैंने दो फंक्शन क्रिएट किए, आप चाहे तो तीसरा भी क्रिएट कर सकते हैं। तो यहाँ से मैं फंक्शन पे गया, फंक्शन 3, और ये मैंने सपोज प्रोसेस _3 के लिए ले लिया, ओके। तो आप अगर यहाँ से राइट क्लिक करेंगे तो इस तरीके से फंक्शन क्रिएट कर सकते हैं। मैं बाकी और भी जो फंक्शन एंड ब्लॉक्स है मैं सभी के बारे में आपको डिटेल में बताऊंगा, एक करके आप मेरी वीडियो को देखते रहें एंड फॉलो करते रहें मेरे चैनल को, जिससे कि जो भी वीडियो अपलोड होंगे वो आपको दिखते रहेंगे। इस तरीके से मैंने 3 फंक्शन क्रिएट किए। अब एक एक करके छोटा छोटा जो भी आपको प्रोग्राम क्रिएट करना है, जो भी प्रोग्राम आप क्रिएट करना चाहते हैं फंक्शन के अंदर क्रिएट कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप ध्यान से देखिएगा, मैं फंक्शन वन पर डबल क्लिक कर रहा हूँ, यानी फंक्शन वन वाली फाइल ओपन कर रहा हूँ। यहाँ देखेंगे सबसे ऊपर यहाँ पर देखिए FC1 लिखा आ रहा है, यानी प्रोसेस वन, ओके। और इस तरह की फाइल यहाँ पे ओपन हुई, डबल क्लिक करके आप ओपन कर लीजिए, या इसको साइज में इस तरह से भी कर सकते हैं और यहाँ पर एक छोटा सा प्रोग्राम बना सकते हैं। तो यहाँ पर सिंपल मैंने एक प्रोग्राम बनाया, और मैंने यहाँ पर एक प्रोग्राम बनाया i0.3, यानी इनपुट नंबर 3 से मैं सपोज 3 नंबर आउटपुट ऑन कराना चाहता हूँ। एक छोटा सा प्रोग्राम बना लिया, बाकी आप और भी बड़ा प्रोग्राम क्रिएट कर सकते हैं, इट इज अप टू यू कि आपको कैसे क्रिएट करना है, बट मैंने FC1 में एक छोटा सा प्रोग्राम बनाया। देन बनाने के बाद आप इसको सेव कर देंगे,
जिससे कि मेरा जो भी प्रोग्राम मैंने बनाया ये सेव हो जाएगा। सेव करने के बाद आप इसको क्लोज कर देंगे। देन OB1 भी पूछ रहा है, क्योंकि सारे ब्लॉक्स हमें बंद करने हैं, तो OB1 को भी सेव कर दीजिए। तो सारा क्लोज हो गया। देन आप देखेंगे OB1 FC1 सारा बंद हो चुका है, यानी क्लोज हो चुका है, मैंने सब कुछ सेव करा दिया। देन अब आप FC2 ओपन कर लेंगे। जैसे ही FC2 ओपन किया, यहाँ से देखेंगे FC2, इस पेज को आप मैक्सिमाइज भी कर सकते हैं एंड आप इसको मिनिमाइज भी कर सकते हैं, साइज छोटा भी कर सकते हैं। ये FC2 यानी प्रोसेस 2 आ गया। यहाँ पर एक छोटा सा प्रोग्राम आप क्रिएट कर लीजिए। यहाँ पर मैंने जो प्रोग्राम क्रिएट किया I0.4 से मेरे को Q0.4 मैंने एक आउटपुट ऑन करा दिया। राइट, अभी आपने देखा होगा FC1 में जो मेरा प्रोग्राम था वो क्या था, I0.3 से था और आउटपुट था Q0.3। अभी मैंने FC2 में क्या बनाया है आप देखेंगे, FC2 में जो है I0.4 से इनपुट है एंड Q0.4 से मेरा आउटपुट है। इसको भी सेम एज इट इज आप सेव करा देंगे फ्रेंड्स। देन इसको क्लोज कर दीजिए। देन FC3 पर जाएंगे। देन यहाँ पर आप देखेंगे कि ये देखिए FC3 आ गया, प्रोसेस 3 हो गया। और यहाँ पर जाके आप एक इनपुट और एक आउटपुट ले लीजिए जो भी आपको ठीक लगे। ये मैंने यहाँ से I0.5 ले लिया एंड Q0.5 मैंने एक आउटपुट ले लिया। इस तरीके से मैंने इसको भी सेव करा दिया। तो अब क्या होगा, तीनों फंक्शन में मैंने एक इनपुट से एक एक आउटपुट ले लिया। देन इसको क्लोज कर लिया। अब फ्रेंड्स आपको क्या करना है, आपको OB1 में जाना है। तो मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ कि OB1 जो साइकिल एग्जीक्यूशन ब्लॉक होता है, इसके अंदर जो भी प्रोग्राम आप बनाएंगे वो हमेशा रन करता रहेगा। मीन्स अगर मैं यहाँ पर डबल क्लिक करूँ राइट, इस तरीके से मैंने यहाँ से डबल क्लिक किया राइट, तो अगर मैं इस प्रोग्राम को यहाँ से डाउनलोड करूँ देन यहाँ से मॉनिटर करूँ, तो ये वाला प्रोग्राम मेरा हमेशा रन करता रहेगा। आप अगर यहाँ से देखेंगे, जैसे मैंने 0 नंबर से 0 नंबर आउटपुट ऑन कराया राइट, हमेशा ये रन करता रहेगा। अब मैं क्या चाहता हूँ, जो मैंने वहां पर फंक्शन में जो भी प्रोग्राम बनाया एक बार उसको भी मुझे डाउनलोड करना पड़ेगा, तो उसके लिए मैं मिनिमाइज कर रहा हूँ, ऑफलाइन जा रहा हूँ। ये भी क्लोज कर दिया मैंने। अब आपको डाउनलोड कैसे करना है, मैं चाहता हूँ सारे ब्लॉक एक साथ डाउनलोड हो जाए। फ्रेंड्स अगर इंडिविजुअल डाउनलोड करना है तो एक एक करके आप यहाँ से क्लिक कर दीजिए और उसके बाद आप यहाँ से इसको डाउनलोड कर दीजिए। देन यहाँ से मॉनिटर मोड कर दीजिए। उसके बाद आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो अभी रन मोड नहीं दिखा रहा है, क्योंकि ये फंक्शन जो होते हैं अभी काम नहीं करेंगे। मैं बताऊंगा क्यों नहीं कर रहे हैं। तो एक एक करके एक बार डाउनलोड कर दीजिए। आपने देखिए अभी FC2 किया, इसको भी मैंने डाउनलोड कर दिया, ये भी मॉनिटर मोड पे कर दिया। आप अगर चाहते हैं कि एक साथ डाउनलोड हो जाए, तो उसके लिए आप इस तरीके से सारे ब्लॉक एक साथ सिलेक्ट कर लीजिए। देखिए इस तरीके से आपको करना है। देन यहाँ पर देखिए सेम डाउनलोड वाला ऑप्शन आ गया है। ये जैसे ही मैंने क्लिक किया तो यहाँ पर ऑप्शन पूछ रहा है, ऑलरेडी एग्जिट, डू यू वांट टू ओवरराइट इट, तो मैं यहाँ पर ऑल कर दूंगा तो मीन सारे ब्लॉक हमारे डाउनलोड हो जाएंगे। ओके उसके बाद OB1 में आ जाइए। और OB1 में मैंने अभी कुछ भी नहीं किया, सिंपल एक ही प्रोग्राम है जो कि बिल्कुल अलग है। यानी जितने भी मैंने फंक्शन में प्रोग्राम राइट किया उनके जो एड्रेसेस यूज किए हैं वो बिल्कुल अलग है और यहाँ पे डिफरेंट है। चलिए मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ। यहाँ से देखिए, अगर मैं 0 नंबर इनपुट, यहाँ से देखिए मॉनिटर मोड पे मुझे करना पड़ेगा, अगर मैं इनपुट नंबर 0 प्रेस करता हूँ तो मेरा आउटपुट नंबर 0 आ रहा है। और आपको ध्यान होगा कि फंक्शन 1 में मैंने क्या किया था, 2 नंबर इनपुट यूज किया था राइट, सॉरी 3 नंबर इनपुट यूज किया था एंड फंक्शन 2 में 4 नंबर इनपुट यूज किया था, फंक्शन 3 में 5 नंबर किया था। अगर मैं 3 नंबर प्रेस करता हूँ, देखिए यहाँ पे कोई भी आउटपुट ऑन नहीं हो रहा है। मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, ये देखिए यहाँ पे जो प्रोग्राम है वो 0 नंबर से 0 नंबर आउटपुट है। अगर मैं फंक्शन के अंदर की बात करूँ तो वहां पे जो इनपुट लिया है, देखिए 4, 5, 6 मैंने सारे प्रेस किए लेकिन कोई भी आउटपुट यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा है। देखिए मैं ऑफ कर देता हूँ, फिर से ऑन करता हूँ, कोई भी नहीं दिखाई देगा। क्यों नहीं दिखाई दे रहा है, मैं एक चीज आपको क्लियर करना चाहता हूँ फ्रेंड्स, कि फंक्शन के अंदर जो भी प्रोग्राम होते हैं उनको कॉल कराया जाता है। कॉल का मतलब ये होता है कि फंक्शन के अंदर जो भी आपने प्रोग्राम बनाए उनको सब प्रोग्राम्स कहते हैं, उनको कॉल कराया जाता है। जब तक कि आप कॉल नहीं कराएंगे वहां का प्रोग्राम रन नहीं होगा। तो अब बात ये आती है कि आप कॉल कहाँ से कराएंगे उन प्रोग्राम्स को, उन फंक्शंस को कॉल कैसे कराएंगे। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ उनको कॉल कराने के लिए आप क्या करेंगे, OB1 यानी इसी ब्लॉक में आपको कॉल कराने के लिए इंस्ट्रक्शन लेना होगा। यानी जब तक आप कॉल नहीं कराएंगे तब तक वहां के जो प्रोग्राम है उनके अंदर जो बने हुए वो रन नहीं होंगे। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, कॉल कराना पड़ेगा। तो चलिए कॉल कैसे कराते हैं मैं एक बार आपको दिखाता हूँ। ये प्रोग्राम एजेटिक नेटवर्क 1 में रहने देते हैं, बिल्कुल अलग प्रोग्राम है। मैं सिर्फ यहाँ से एक नया नेटवर्क ले रहा हूँ और यहाँ से एक इनपुट ले लिया
और इसको मैंने यहां से एक अलग एड्रेस दे दिया, यानी i1.0 ले लिया मैंने, बिल्कुल डिफरेंट एड्रेस है फ्रेंड्स, याद रखिएगा। देखिए i0.0 बिल्कुल ये तो अलग हो गया, एक सिंपल प्रोग्राम है, लेकिन कॉल कराने के लिए मैंने अलग इनपुट लिया, यानी दूसरी बाइट में चला गया मैं, i1 नंबर की बाइट में गया। देन यहां पर अब मेरे को कॉल कैसे कराना है, कॉल इंस्ट्रक्शन कैसे लेना है वो मैं बताऊंगा आपको। तो i1.0 से मेरे को कॉल इंस्ट्रक्शन चाहिए, तो देखिए लेफ्ट साइड में एफ सी ब्लॉक आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, देन यहाँ पर एक फैमिली क्रिएट हुई है जिसके अंदर एफ सी ब्लॉक है। तो मैं सबसे पहले एफ सी ब्लॉक इस तरीके से ड्रैग कर लीजिए और यहाँ पे आ गए। तो फ्रेंड्स आपको दिखाई दे रहा है कि प्रोसेस वन का जो ब्लॉक था, क्योंकि सिंबॉलिक नेम मैंने प्रोसेस वन दिया था, वो यहाँ पे आ गया है और i1.0 से ये कॉल हो गया। यानी जब ये इनपुट मैं दूंगा देन वह फंक्शन ब्लॉक वन यानी प्रोसेस वन वाला ब्लॉक कॉल होगा, देन उसके अंदर जो प्रोग्राम है वो चलेगा। राइट, आगे करने के लिए मेरे को एक और नेटवर्क लेना पड़ेगा। आप चाहे तो यहाँ टाइटल डिफाइन कर दें टू कॉल FC1 ब्लॉक, इस तरीके से मैंने टाइटल दे दिया। देन मैं एक और नेटवर्क यहाँ पर ले रहा हूँ और यहाँ पर एक और इनपुट ले लिया, और यहाँ पे जो इनपुट लिया सपोज i1.1 ले लिया, देन मैं आउटपुट यहाँ से हटा देता हूँ, देन यहाँ पर फंक्शन टू ले लिया और इसको टाइटल दे दीजिए टू कॉल FC2 ब्लॉक। राइट, इस तरीके से मेरे को एक और नेटवर्क लेना होगा। यहां से मैं क्या कर रहा हूँ, एक और इनपुट ले लेता हूँ, देन ये फंक्शन थ्री हो जाएगा और यहाँ से i1.2 ले लिया। इससे क्या होगा, मैं किसको कॉल करा रहा हूँ, टू कॉल FC3 ब्लॉक। इस तरीके से मैंने एक प्रोग्राम बना लिया, यानी अगर i1.0 इनपुट मैं हाई करता हूँ देन ओनली FC1 ब्लॉक कॉल होगा और उसके अंदर का प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा। अगर यहाँ पे i1.1 इनपुट देता हूँ तब मेरा FC2 कॉल होगा और उसके अंदर का जो भी प्रोग्राम है वो हमारा एग्जीक्यूट होगा। अगर मैं i1.2 प्रेस करता हूँ देन FC1 मेरा FC3 कॉल होगा और उसके अंदर का प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा। इतना बनाने के बाद आप जस्ट सेव कर दीजिए फ्रेंड्स इसको, क्योंकि मुझे सारे ब्लॉक्स को ट्रांसफर करना होगा। इसको जस्ट क्लोज कर दीजिए, उसके बाद आप देखिए यहाँ से क्या करना है, आप सारे ब्लॉक को इकट्ठा सेलेक्ट कर लीजिए और डाउनलोड कर दीजिए एंड ऑल कर दीजिए। उसके बाद फिर से आप मेन ब्लॉक में आ जाइए, इसको यहाँ से डाउनलोड करके इसको मॉनिटर मोड में ले आइए, यानी ये वाला जो प्रोग्राम है सारा मॉनिटर मोड में आ गया है। अब फ्रेंड्स देखिए यहाँ पर तो बाइट नंबर जीरो और आउटपुट बाइट नंबर जीरो अवेलेबल है, यानी इनपुट आउटपुट, बट मैंने यहाँ पे जो एड्रेस अभी यूज किए हैं जो इनपुट सिग्नल देने के लिए, यानी जिन इनपुट से मैं फंक्शन को कॉल कराऊंगा, उसके लिए मैंने i1 नंबर की बाइट ली हुई है। तो आप इंसर्ट में जाके एक इनपुट वेरिएबल फाइल ले लीजिए और इसको यहाँ से क्या करेंगे आप, इसको सिर्फ यहाँ से वन कर दीजिए और एंटर कर दीजिए, इसका मतलब वन नंबर की बाइट क्रिएट हो गई है। फ्रेंड्स आपको ध्यान होगा कि FC1 के अंदर जो प्रोग्राम बनाया है उसमें इनपुट मैंने कौन सा यूज किया था, i3.0, आउटपुट यूज किया था i0.3 मेरा इनपुट है, यानी i0.3 इनपुट है और q0.3 आउटपुट था। फंक्शन टू के अंदर क्या था, i0.4 था इनपुट और आउटपुट क्या था, q0.4 था। और फंक्शन थ्री के अंदर क्या था, i0.5 था और आउटपुट था q0.5। ओके, तो आपके पास मैं बताना चाहता हूँ, ये देखिए ये वाला जो 3 नंबर है ये फंक्शन 1 के अंदर इनपुट है, 4 नंबर है फंक्शन 2 के अंदर इनपुट है और 5 नंबर है फंक्शन 3 के अंदर है, ठीक है ना। तो अब देखते हैं, चलिए सबसे पहले सिंपल प्रोग्राम एग्जीक्यूट करते हैं। अगर मैं 0 नंबर इनपुट देता हूँ तो देखिए यहाँ का प्रोग्राम चल रहा है, और यहाँ से 3 नंबर इनपुट दिया तो कोई भी फंक्शन के अंदर जो भी आउटपुट 3 नंबर है वो आम नहीं हो रहा है। 4 नंबर इनपुट दिया, देखिए बिल्कुल काम नहीं कर रहा है 4 नंबर आउटपुट, और 5 नंबर इनपुट दिया तो 5 नंबर आउटपुट भी ऑन नहीं हो रहा है। आपको पता है कि 3, 4, 5 नंबर के जो आउटपुट है वो फंक्शंस में मैंने लिए हुए हैं, इसको मैंने यहां से बंद कर दिया। अब मुझे क्या करना है, एक एक करके आपको बता दो। अब मैं फंक्शन 1 वाले ब्लॉक को कॉल कर रहा हूँ। फ्रेंड्स आपको ये याद रखना है कि मेरे फंक्शंस को कॉल करने के लिए कहाँ प्रोग्राम बनाया, तो मैंने सिर्फ OB1 में बनाया, क्योंकि जो भी आपको कॉल करना है OB1 से करना होगा, बाकी फंक्शन से फंक्शन भी कॉल हो जाते हैं ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन अभी जो मैं बता रहा हूँ OB1 से काम कर रहा हूं मैं। अब i1.0 इनपुट को मैं यहां से इनेबल कर रहा हूँ। देखिए ये वाला 1 नंबर की बाइट है तो मैंने ये इनपुट दिया, देखिए यहां से ये फंक्शन कॉल हो रहा है, ठीक है, ये देखिए सारा ग्रीन दिखा रहा है, मीन्स प्रॉपर कॉल हो रहा है। अब मैं यहाँ पर 3 नंबर इनपुट दे रहा हूँ, देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर ये देखिए 3 नंबर आउटपुट ऑन हो रहा है ना। अगर मैंने इनपुट 3 ऑफ किया तो देखिए ये ऑफ भी हो गया आउटपुट, 3 नंबर इनपुट दिया तो देखिए ऑन भी हो रहा है। इसका मतलब
आपने कॉल करा के रखा हुआ है OB1 से, देन ओनली वहां के जो भी अंदर प्रोग्राम है, वहां अंदर प्रोग्राम क्या बनाया हुआ था मैंने, I0.3 से मैं Q0.3 आउटपुट को ऑन करा रहा था। ये इसलिए ऑन हो रहा है क्योंकि ये फंक्शन कॉल हो रहा है, अगर मैं ऑफ कर दूंगा बंद हो जाएगा। अब देखिए ये जो कॉल हो रहा है इसको मैं अगर हटा देता हूं, यहां से अनटिक किया तो आप देखेंगे, अभी फिर से प्रेस करिए 3 नंबर, तो देखिए यहाँ पे 3 नंबर आउटपुट नहीं आ रहा है। देखिए ऑन ऑफ करा लीजिए, नहीं आ रहा है। अब जैसे ही मैं कॉल करा दूंगा तो यहाँ से देखिए 3 नंबर से मेरा ये आउटपुट आ रहा है। अब इस समय देखिए आगे फंक्शन 2 के अंदर जो प्रोग्राम था कि 4 नंबर इनपुट दिया तो मेरा क्या होगा, 4 नंबर आउटपुट मिला। देखिए अभी ये काम नहीं कर रहा है, क्यों नहीं कर रहा, क्योंकि इसको भी कॉल नहीं कराया मैंने। तो यहाँ से इससे भी इसको भी कॉल कराएंगे फंक्शन 2 को, तो यहाँ से देखिए कॉल हो जाएगा। और यहाँ से देखिए एक बार इनपुट प्रेस करके देख लेते हैं, तो देखिए 4 नंबर आउटपुट भी ऑन हो रहा है ना, ऑन ऑफ हो रहा है। अब देखिए मैं यहाँ से I1.2 को कॉल नहीं करा रहा हूँ, और एक बार 5 नंबर इनपुट को प्रेस करके देखिए, देखिए 5 नंबर प्रेस करने पर 5 नंबर आउटपुट ऑन नहीं हो रहा है। तो मैं क्या करूंगा, इसको भी कॉल करा लूंगा, देन अब फिर यहाँ से प्रेस करेंगे तो देखिए 5 नंबर आउटपुट भी ऑन हो गया। यानी अभी सारे फंक्शन प्रॉपर वर्क कर रहे हैं। ये देखिए ये 3 नंबर इनपुट दिया, 4 नंबर दिया, 5 नंबर, सारे आउटपुट ऑन हो रहे हैं, आप लोग देख पा रहे हैं, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि आप अगर OB1 से कॉल कराएंगे फंक्शंस को, देन उसके बाद ही उसके अंदर जो भी प्रोग्राम आपने बनाया हुआ होगा वो फंक्शन कर रहा होगा, यानी वो अपना काम करेगा। आप अगर चाहे तो मॉनिटर कर सकते हैं फंक्शन को। यहाँ से देखिए मैंने फंक्शन ओपन कर लिया, इसको आप चाहे तो यहाँ से आप ऑनलाइन ले सकते हैं। ये देखिए यहाँ पे ये ऑन हो रहा है, ऑन होता हुआ दिख रहा है। ये देखिए 3 नंबर प्रेस कर रहा हूं तो यहाँ पे ये काम हो रहा है ना, ठीक है ना। अब अगर मैंने, मुझे पता है कि 0 नंबर इनपुट से फंक्शन ब्लॉक 1 कॉल हो रहा है, जैसे ही मैंने ये प्रेस किया यानी अनटिक किया, तो देखिए 3 नंबर प्रेस करने पर अब यहाँ पे कुछ भी नहीं हो रहा है, आप देख पा रहे हैं, यहाँ से कुछ भी नहीं हो रहा है, कोई भी फंक्शन नहीं काम कर रहा है। यानी जब मैं कॉल कराऊंगा देन ये वाला फंक्शन यहाँ से देखिए काम करेगा। यानी आप कॉल कराएंगे उसके बाद ही ये सारा फंक्शन चलेगा। अब देखिए OB1 यहाँ से ओपन कर लीजिए, इसको यहाँ से मैक्सिमाइज कर लीजिए, देन यहाँ पर ये मेरे पास टेबल आ गए। तो इसका मतलब है ये वाला 0 नंबर देखिए फंक्शन 1 के लिए था, ये 1 नंबर दूसरा था, देन ये था। अगर मैं कॉल कराऊंगा उसके बाद ही यहाँ से देखिए सारे फंक्शन प्रॉपर वर्क करेंगे, अगर कॉल नहीं कराएंगे तो कुछ भी वर्क नहीं होगा। ये देखिए मैं फिर से इनपुट हटा देता हूँ, ये भी हटा दिया, ये भी हटा, इसका मतलब मैं कॉल नहीं करा रहा। अब देखिए 3 नंबर प्रेस करेंगे आउटपुट नहीं आ रहा है, 4 करेंगे नहीं आ रहा है, 5 करेंगे तो नहीं आ रहा है। इसको मैं हटा देता हूँ, यहाँ पे सिर्फ 0 प्रेस करेंगे तो ये चलेगा, क्योंकि ये ऑलरेडी OB1 में है, ये एग्जीक्यूशन में है। अब मैं कॉल कराता हूँ फंक्शन 1 को, 2 को, देन 3 को, यानी ये अलग अलग इनपुट मैंने दे रखे हैं, देन अब यहाँ से इनपुट दूंगा तो फंक्शन के अंदर जो भी प्रोग्राम है मेरे चलते रहेंगे। सो फ्रेंड्स, इस तरीके से हम फंक्शन को कॉल करते हैं, यानी फंक्शन मीन्स एक सब प्रोग्राम है, सब रूटीन है जिनको आप कॉल करते हैं। अब किसी भी मशीन का, किसी भी प्रोसेस का आप स्टेटस वगैरह सारा डिसाइड कर सकते हैं, उनको डिफाइन कर सकते हैं, उनको एग्जीक्यूट करा सकते हैं, जिससे कि आप इजी तरीके से फंक्शन को कॉल करा पाएंगे। तो कॉल कराने के लिए बेसिकली ये जो मैंने जो फंक्शन ब्लॉक यूज किए थे ये काफी इंपॉर्टेंट ब्लॉक्स होते हैं। एंड फ्रेंड्स, इन सभी को हम लोग काफी ज्यादा इंडस्ट्री में यूज करते हैं, बिकॉज इन ब्लॉक्स की हेल्प से हम किसी भी मशीन के प्रोग्राम को डिवाइड करते हैं, डिफाइन कर सकते हैं एंड एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो इस तरीके से मैंने फंक्शन ब्लॉक फंक्शंस क्रिएट किए। फ्रेंड्स, होप आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा, आप इसको अपने घर पर ट्राई कर सकते हैं, लर्न कर सकते हैं, एग्जीक्यूट करा सकते हैं। सो मेरे इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें एंड बेल बटन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे कि आगे भी इसकी सीरीज यानी कई सारे पार्ट्स में आगे लेकर आने वाला हूँ, अपलोड करूंगा तो उसके सारे नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। सो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और फ्रेंड्स को भी बताएं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। सो अगले वीडियो के लिए भी वेट करिए, बिकॉज आगे और भी ब्लॉग्स के बारे में मैं बताने वाला हूँ। सो मेरे चैनल को लगातार फॉलो करते रहिए और इस तरीके से आप ये सारी चीजें यानी ब्लॉग्स कैसे क्रिएट करना आपको पता चलता रहेगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज, थैंक यू।